स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं उसका इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस में कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, और लेट वाले सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में मुख्य रूप से तीन तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, यानी भाव व्यक्त किए जाते हैं, ऑर्डर का, एडवाइस का और रिक्वेस्ट का। तो लेट वाले में भी वही बात है, बस अंतर यही है कि इसमें सेंटेंस जो होता है लेट से शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं लेट वाले सेंटेंस को, तो रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का भाव व्यक्त किया गया है उसके आधार पर हम रिपोर्टिंग वर्ब शेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं, कभी ऑर्डर्ड में बदलते हैं, कभी रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो ये तो आपको सेंटेंस से ही पता चल जाता है कि कहाँ पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड होना चाहिए, कहाँ पर रिक्वेस्टेड होना चाहिए और कहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली वन बाय वन करके समझाऊंगा कि आखिर यहाँ पर सजेस्टेड क्यों हुआ, यहाँ पर रिक्वेस्टेड क्यों हुआ, यहाँ पर ऑर्डर्ड क्यों हुआ। सबसे सिंपल बात आप पहले समझ लीजिए, यदि कोई भी बड़ा आदमी, सीनियर, कोई भी सीनियर अपने जूनियर से कुछ कहता है तो उसके लिए आदेश हो जाता है। तो बस आपको यही चीज़ समझना है, यदि किसी सेंटेंस में कोई जूनियर अपने सीनियर से कहता है तो एक जूनियर अपने सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर तो दे नहीं सकता। तो बस यही छोटी छोटी बातों को समझना है जिससे कि बहुत आपको ये आसान लगने लगेगा। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, उसने कहा हम लोग क्रिकेट खेलें। देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना ये होगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना होगा, जब भी डायरेक्ट सेंटेंस में लेट के साथ अस लगा रहे, लेट के साथ अस, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है इसके स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जब भी रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ अस लगा रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। पहले वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए, यहाँ लेट अस प्ले क्रिकेट, इसका अर्थ क्या हुआ, हम क्रिकेट खेलें। तो देखिए, लेट के साथ अस है तो शेड के स्थान पर सजेस्टेड कर देंगे, ही सजेस्टेड, अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगाते हैं, तो दैट हो गया। अब दैट के बाद बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी सब्जेक्टिव केस में होगा। तो देखिए, अब यहाँ दैट के बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, तो अस जो है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन प्लूरल है। अब इसको हम फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए, ये जो अस है फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल नंबर है, और इसको हम चेंज करेंगे किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो ही जो है ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, लेकिन ये तो प्लूरल है। तो यहाँ पर जब अस को हम ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन रखेंगे कि थर्ड पर्सन का भी हो और प्लूरल भी हो, तो एक ही प्रोनाउन होता है और वो है दे। तो यहाँ पर हम दे का प्रयोग करेंगे। दे के बाद जो लेट है इसको हम सूट में बदल देते हैं, तो दे के बाद कर देंगे सूट, दे सूट प्ले क्रिकेट, बस बन गया। यही चीज आपको समझना था। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई सेड लेट अस गो होम, मैंने कहा हम घर चलें। इसमें भी लेट के साथ अस का प्रयोग किया गया है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आई सजेस्टेड
दैट, इन्वर्टेड कमाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद फिर क्या होगा, सब्जेक्ट को लाएंगे। तो देखिए इसमें भी अस है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है अस, लेकिन प्लूरल है, और इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट भी रिपोर्टिंग वर्ब का आई है, यानी ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन और ये भी फर्स्ट पर्सन। तो पर्सन चेंज नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन में ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन रखेंगे जो फर्स्ट पर्सन का भी हो और प्लूरल भी हो, तो उसका एक ही सब्जेक्ट होता है वी। तो यहाँ पर हम वी का प्रयोग करेंगे। वी के बाद फिर क्या करेंगे, लेट को सूड में बदल देंगे, तो लेट वी सूट। अब बाकी को तो उतार देते हैं, गो होम, दैट्स ऑल, बन गया। तो देखिए जब भी लेट के साथ में अस रहे तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट को जोड़ता है, वहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट को रखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद जो लेट है उसको हम सूड में बदल देते हैं, और बाकी वाक्यों को ज्यों की त्यों उतार देते हैं। अब आइए चलते हैं अगला लेट का नियम जो है, जिसमें कि ऑर्डर का भाव व्यक्त होता है। देखिए, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, ऑफिसर ने अपने क्लर्कों से कहा, क्लर्क का हिंदी होता है किरानी, बाबू जो ऑफिस में काम करते हैं। द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, लेट नो वन कम लेट, कोई भी देर से नहीं आएगा। ये ऑफिस की बात कहता है अधिकारी, ऑफिसर अपने क्लर्क से कि कोई भी देर से नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, आदेश का भाव हुआ, इसमें ऑर्डर है, आदेश है। तो जब हम जान गए कि इसमें ऑर्डर का भाव है, तो इस सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स, क्लियर हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर लिखेंगे दैट, दैट, दैट के बाद हम सब्जेक्ट को लाते हैं, तो नो वन यानी कोई भी, तो नो वन क्या है, सब्जेक्ट है, नो वन, पहले सब्जेक्ट को लाए, फिर उस देखिए लेट है, इस लेट को हम शुड में बदल देते हैं, यानी कि यहां पर शुड का प्रयोग करेंगे। लेट दैट नो वन शुड कम लेट, बन गया। यही चीज समझना है आपको। अगला एग्जाम्पल देखिए, द किंग सेट, राजा ने कहा लेट द मैन बी सेट फ्री, उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दो, मुक्त कर दो, आजाद कर दो, राजा ने ऐसा आदेश दिया। तो राजा हमेशा आदेश ही देता है, द किंग सेड यानी आदेश का भाव है, द किंग ऑर्डर्ड, हो गया। अब इन्वर्टेड कमाज के स्थान पर क्या कर देंगे, दैट, दैट के बाद में हम सब्जेक्ट को लाते हैं, द मैन, द मैन, उसके बाद क्या है, लेट है, तो लेट को किस में बदलेंगे, सूड में बदल देंगे, शुड बी सेट फ्री, दैट सिंपल, बस यही चीज आपको समझना है। अब अगला सेंटेंस देखिए, इसमें रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होगा, उस सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, क्योंकि आप जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें ऑर्डर का भाव है, ये रिक्वेस्ट का भाव है, और इसमें तो रिपोर्टिंग वर्ब भी क्लियर कर देता है, क्योंकि देखिए अभी हमने यहाँ पर ऑर्डर किया। तो ऐसे भी स्वाभाविक तरीका से आप समझ सकते हैं कि द ऑफिस जो ऑफिसर होता है अपने क्लर्क को आदेश दे सकता है, क्लियर है। अब जैसे राजा है, राजा जो भी बात कहता है वो आदेश होता है, तो हम यहाँ से भी समझ लेते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड सेड टू द गार्डनर, बच्चा ने माली से कहा, माली से, लेट मी पिक सम फ्लावर्स, मुझे कुछ फूल चुनने दें, यानी तोड़ने दें। अब देखिए जब बच्चा माली से कहता है कि मुझे कुछ
फूल चुनने दें या तोड़ने दें तो बच्चा माली से रिक्वेस्ट ही कर सकता है। इसलिए स्पष्ट होता है कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा। जैसे द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर। इसको मैं बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा आपको, लेकिन दोनों मेथड आपको जानना होगा, ठीक है। पहला मेथड से आप तो देख ही रहे हैं, हो गया द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर, क्लियर। अब जो इन्वर्टेड कॉमाज है इसके स्थान पर हम अभी दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको एक अलग मेथड से बताते हैं, बहुत ईजी मेथड है। इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, और टू के बाद क्या होगा, लेट। देखिए लेट भी मेन वर्ब है, और लेट के पहले यहां टू लग जाने से इन्फिनिटिव हो गया, लेट मतलब देना होता है, तो टू लेट। अब मी है, तो मी जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसको किसके अनुसार फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर सब्जेक्ट चाइल्ड है, तो मी के स्थान पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम पिक सम फ्लावर्स, फुल स्टॉप। ये तरीका होता है रिक्वेस्टेड का, लेकिन ये पहला मेथड है। इसको एक और भी नए मेथड से बताते हैं, इसमें हम दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए द प्यून सेड टू द ऑफिसर लेट मी गो होम, चपरासी ने अधिकारी से कहा मुझे घर जाने दें। तो एक चपरासी अपने अधिकारी से क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, यही से भाव क्लियर है। तो देखिए द प्यून रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, द प्यून रिक्वेस्टेड द ऑफिसर। अब यहां इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या करेंगे, टू करेंगे, टू। अब फिर लेट है तो लेट को लिखेंगे, टू लेट। लेट के बाद मी है, यानी प्यून के हिसाब से बदलेंगे तो हिम हो जाएगा, लेट हिम गो होम, ठीक है। जो मेथड यहां पर मैंने लगाया वही मेथड यहां पर मैंने बताया, क्लियर हो गया। अब इसको मैं दूसरे मेथड से बता देता हूं, देखिए द प्यून रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, द प्यून रिक्वेस्टेड द ऑफिसर। अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर हम दैट लगा लेंगे, दैट। अब दैट के बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। तो यानी कि यहां पर मी है, और ये मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जब प्यून के हिसाब से बदलेंगे तो क्या होना चाहिए, जब नॉमिनेटिव केस में लाएंगे तो ही हो जाएगा। तो यहां पर हम ही का प्रयोग करेंगे, और ही के बाद आपको एक चीज हमेशा याद रखना होगा, सब्जेक्ट के बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग होता है, ये दूसरे मेथड में। जैसे ही माइट बी अलाउड टू, ये आपको अपने से लगाना होगा। देखिए इतना शब्द आपको बाय हर्ट होनी चाहिए, ही माइट बी अलाउड टू, और उसके बाद जो शब्द बचा उसको उतार देंगे, क्या बचा, गो होम लिख देंगे। मैं यहीं पर लिख देता हूं गो होम, दैट्स ऑल, बन गए। तो देखिए यही लेट से नियम है बनाने का। लेट में भी तीन तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, जिस तरह से कि जो जब लेट के साथ में अस का प्रयोग होगा, मैं आपको रिमाइंड फिर से कर देता हूं, जब भी लेट के साथ में अस लगा रहे, जैसा कि
ऊपर वाले सेंटेंस में है, इसमें भी है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। अब कैसे हम समझेंगे कि ऑर्डर का भाव है कि क्या है, बस यहीं से क्लियर हो जाएगा। द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, जब अधिकारी अपने क्लर्क से कहेगा तो आदेश होगा, इसलिए हम यहाँ पर ऑर्डर कर देंगे। अब रिक्वेस्ट का भाव देखिए, एक बच्चा जो है माली से फूल चाहिए तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ नीचे है, एक चपरासी को अपने अधिकारी से घर जाने के लिए छुट्टी चाहिए तो वहाँ भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है। तो बेटा आपको इतना ही समझना है कि कहाँ पर हमें और कब सजेस्टेड या प्रपोज्ड करना है, कहाँ पर रिक्वेस्टेड करना है और कहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करना है। और जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि आप रिक्वेस्टेड वाले को इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू से प्रयोग करते हैं तो थोड़ा इजी पड़ता है, आसान पड़ता है, लेकिन आपको रूल बेटा दोनों जानना चाहिए। क्या पता आप कंपटीशन में बैठे हों और ऊपर वाला ऑप्शन ना दे करके माइट बी अलाउड टू का ऑप्शन दिया है, तो इसलिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। कंपटीशन का दौर है, बहुत हैवी कंपटीशन है, इसलिए आपको फेस करना है। और मेरी शुभकामना है कि आप, मैं आपसे बहुत बहुत बड़ा बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन बेटा मैं आपसे जरूर, मैं बार बार भी पहले भी कहा हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते हैं तो फिर आपको कहीं और इंग्लिश की कोचिंग करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे किसी भी लेवल का कंपटीशन हो। मैं अभी बहुत कुछ अभी लेकर आने वाला हूँ, अभी तो मुझे शुरू किए हुए कितने दिन हुआ है। तो चलिए फिर, यदि मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर कल एक अच्छे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद।